सोलन पुलिस नशे का कारोबार करने वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना आरंभ कर दिया है। नशे की तस्करी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया है। जिला सोलन पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशों पर गुप्तचर विभाग और SIU टीम ने सोलन जिला में अपना जाल बिछा दिया है और अपने गुप्तचरों को फिर से सक्रिय कर दिया है। यही कारण है कि इस पुलिस की पैनी नजर से अब नशे के तस्कर बच नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि अब नशे का कारोबार करने वालों की हाथ पांव फूलने लगे हैं। नशा तस्करों के लिए खौफ बन चुके जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई माह में उन्होंने 1 किलो 600 ग्राम चरस और 43 ग्राम चिट्टा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है और 12 नशे का काला कारोबार करने वालों तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि सोलन पुलिस का एकमात्र लक्ष्य जिले से नशे को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए वह भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लक्ष्य पाना तभी संभव हो सकेगा जब शहरवासी जागरूक होंगे और उन्हें लक्ष्य पाने में सहयोग देंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, सोलन पुलिस ने जनता के सहयोग से आजकल नशे के कारोबार के खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है। इस अभियान की में काफ़ी सफलता मिली है और जुलाई महीने के दौरान सोलन जिले में 2 केस चरस के और 9 केस चिट्टे के पकड़े गए हैं, जिनमें 1 किलो 600 ग्राम चरस और 43 ग्राम 806 मिलीग्राम चिट्टा पकड़ा गया है। इन सभी केसेस में 12 दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।